कामगारों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया मासिक प्रदान करने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने वीरवार को रैली निकालकर रोष प्रदर्शन किया। श्रमिक हितों को सख्ती से लागू न करने पर मजदूर नेता खफा दिखे। बारिश के बावजूद धरने में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, जिसके बाद कामगार उपायुक्त कार्यालय पहुंचे व डीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीसी शर्मा ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपया लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। प्रथा को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए और सारे विभागों में के सारे कामगारों के लिए मिनिमम वेजेस 18,000 रुपये मासिक वेतन लागू किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम ये ज्ञापन माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भेज रहे हैं। सर, आज इसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, क्या BMS इसका विरोध करेगा या बहिष्कार करेगा? लोकसभा चुनाव, क्योंकि वो राष्ट्रवाद के मुद्दे को, जहां तक राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर उसकी बात है, तो हम राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर नहीं करने वाले। हम अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे, लेकिन क्योंकि राष्ट्रवादी ताकतों के ऊपर ये चुनाव होने वाला है, तो इसलिए राष्ट्रवादी शक्तियों को और ताकत देने के लिए, अभी हमने देखा कि पुलवामा में क्या हुआ, वहाँ पर जो देशद्रोही ताकतें थी, उन देशद्रोही ताकतों की मिलीभगत से वहाँ पर हमारे 45 सैनिकों का जो है वो उनकी कुर्बानी हो गई। तो ऐसा मुद्दा जब अगर चुनाव में खड़ा होता है, तो हम राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर हम पर इस सरकार को मजबूत करेंगे। जो भी राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के वोट मांगेगी, तो हम दूसरे मुद्दों को पीछे करके हम उस मुद्दे पर करेंगे। लेकिन यह जो कामगारों की मांगों का प्रश्न है, तो इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, उसको जारी रखेंगे, और हमें आशा है कि प्रदेश सरकार अंततः हमारी मांगों को मानेगी, स्वीकार करेगी। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए हमीरपुर से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।